अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे खैर खरी से हैं। तो गाइस, किसी अच्छे ने कहा था कि जो है ना, आप जो है ना पेंसिल या कोई भी चीज़ जो मुंह में ऐसे रख के जो है ना आप बात करोगे तो आपकी ज़ुबान जो है ना थोड़ी सेट हो जाएगी, मतलब बोलने में थोड़ा सा अटकना अटकन। मैं जो है ना जैसे थोड़ा सा अटकता हूँ, तो इसी वजह से मैं ट्राई कर रहा था ये पेंसिल के काम करती है कि नहीं। और जैसा कि आज जो है फ्राइडे और कपड़े वपड़े पहन लिए मैंने और जल्दी से फ़ौरन से नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है ना मेरी एक क्लास भी है और वो मुझे अटेंड करने के लिए निकलना भी है। 4 बजे क्लास है, पहले जुमा पढ़ के आते हैं उसके बाद क्लास में चलते हैं। के व्लॉग में हमने कहा था कि जो है कि आप भाई सब लाहौर वालों को और इनको सपोर्ट कर रहे हो, सिंधी को भी सपोर्ट करो भाई, सिंध आर्मी को भी सपोर्ट करो। तो वेलकम हो गया तुम सबका एक न्यू ब्रांड व्लॉग के साथ। के टाइम हो गया है अपने क्लास में जाने का, और जो है लगा लेते हैं। एक तो जो है ना थोड़ा सा सर भी लेट आता है, और उसके बाद जो है ना फिर मैं क्लास में बैठ जाऊँ, इस वजह से जो है ना आज थोड़ा सा मुझे भी लेट हो जाएगा, क्योंकि 4 बजने में अभी जो है 10 मिनट हैं, और अभी निकलूँगा, पेट्रोल शेट्रोल भरवाऊँगा बाइक में, उसके बाद पहुँचेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, उस मुझे भी लग जाएगा, और 5-7-8 मिनट के मुझे भी काम है। तो भाई साहब, ये हमारी एक अदद बाइक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान। यार टिश्यू तो दे यार, हाथों में पानी। तो भाई जान, मेरी जो है ना आप पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि जो है ना मेरी आंख में मसला चल रहा है, तो टिश्यू भूल गया मैं। कोई इससे अच्छा नहीं है वो, तो ना ये तो काला हो जाता है। हाँ यो यो यो, ने बब्बा टिश्यू को दे दे यार, ये मेरे खाते में लिख लेना। हाँ ठीक है। फैजान कौन आया? अब से यहाँ क्लास तो बोला ही नहीं, अब थुकवाणी थुकवाणी बच्ची है। वो वाले केक भी ले आओ, वो लास्ट वाले। भाई जान नाश्ता नहीं किया, तो अभी जो है नाश्ता करेंगे, तो अभी 5 बज रहे और नाश्ता करेंगे वगैरह जो है ना अभी हमारा ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे जो है ना बहुत साल पहले जो है ना, मैं एक जगह हमारी एक दुकान थी, वहाँ पे जो है ना मैं जब छोटा था तो जाता था, वो वाली फीलिंग आ गई मुझे। फिर जो है ना हमारा पहुँच चुका है, अस्सलाम वालेकुम भजन, आपका व्लॉग बन रहा है, आप अभी यूट्यूब पे आ गए। संडे को? हाँ यार, थोड़ा सा वो पूछता डोमेन का, मैंने डोमेन अभी बचे थी, अभी मुझे लगता है मुझे जो है ना वेबसाइट भी नहीं बनानी पड़ेगी। क्या कह रहे हो? A few moments later. हाँ, कितने की आएंगी? कितने की आएंगी? A few moments later. बिलाल समझा ना, कैमरा आए जो ना, वो बिलाल आप पहुँचा दें दो।
सर बस वो यो ही दिनो जो दूसरो पे हाल आवाम ये हमरा परेशान लगे अरे ये शादी लगी भैया बिना जीते बोल भरो यार इनने भी शादी याद भला को शादी हो तू शादी है मजा आता ही ना बटे थे ना पानी मदद करना सुन बा है बा खुश लगा पे पानी शादी हां दिसो भाव जो हाल एड़ो है जणो को पाकिस्तान जो करो अमेरिका है खेत में हले रहे से पर हाल हाल शुरू भी होता रहे ने रे मंगनी हो गई है ना दाडा वा बस इयो ही न हो जे ना माना खबर ही न हो जे ता के जो सामू चालू या कर चल हां चल जे शादी कदा है की गाल है की मोर है की कदा हेंदा से ना शादी दे शादी तो मु जल्द थी नहीं पर ता 3 पीस पाइनो पांदो हां पाइन ले बात के लागो पेट के लागो बाहर वठी दिना तो पाइन की वठी दिना असा हले आसी बाबा ओए ओए चाय गुरायो वे बाबा चाय गुरायो यार चाय गुट गुट वे बाबा अरे यार मिल दे वे चाय अच्छे दी बाबा मस्त मजा आयो हां वे यार कमाओ दे अरे सुपर ना घट 5 मिनट वे तो सही बुड्ढो असा कमा ऑर्डर दिनो वे तो सही बाबा चाहे तोर पठो वड़ी बो कैमरा साहब वड़ी बो बसे कम कर करे चंदो निकल जोड़ी वड़ी अरे अन्या सुतो भईया हां स्कूल पढ़ी है थकी पियो यार तो भाई ये जो है ना स्कूल जाता है और स्कूल के आने के बाद जो है ना फिर सो जाता है मतलब आज सुतो आज से पारे थे भी कौन वे हो ना फरहान हां अभी जैसे ये सो गया है सुबह 8 बजे उठेगा वापस हां नहीं नहीं अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा और फिर मस्ती इसकी देखना सबको तंग करेगा ना चार चार अरे ये कपड़ा चेंज के इधर उन्होंने आए इधर उन्होंने कपड़ा चेंज ही बाकी फरान कितनी ताकत लगाई नहीं ये बड़ो मानो ताकत अरे ऐसा कला के लगे किलो कमीज लाने में लगी है छोर उन्होंने पे हां क्या है क्या हां चाह विजय निट गया चाबी कहाँ चाबी चाबी गाड़ी की चाबी कहाँ कहाँ जा रहे हो यार जा रहा हूँ दोस्त के पास जाना है थोड़ा सा आता हूँ और दालचीनी पे हो गई यार ये इसको तो उठाओ ये कब से सोया हुआ है ये सुबह से ये सोया हुआ है अभी मैंने इसको सीट उधर कर दिया लेकिन ये फिर कब तक सोएगा मंडे तक सोता रहेगा जब तक स्कूल नहीं है नहीं अरे अभी उठ जाएगा हाँ इससे इससे वो कपड़े पूरे पहने तुमने वो गंजी पहन लिए हाँ अच्छा जी काफी दिन से जो है ना मेरा प्लान बन रहा था अपने दोस्त के पास जाने के लिए लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा बिजी हो गया था इस वजह से मैं भी जा नहीं पाया और जो है अभी मौका मिला अभी मैंने उसको मैसेज किया कि भाई हाँ किधर हो उसने बोला कि भाई आ जाओ मैं फ्री हूँ तो अभी चंगेज़ को उठाएंगे क्योंकि मेरे पास जो है ना सिम वाला फ़ोन नहीं है क्योंकि अगर सिम वाला फ़ोन नहीं है तो फ़ोन कैसे करूँगा भाई तो इसी वजह से जो है मैंने उसको चंगेज़ को उठाया और वो उसके नंबर से मैं उसको फ़ोन करके पूछूँगा भाई हाँ मैं पहुँच चुका हूँ और आप आ जाओ इतने दिन से मैं मतलब तकरीबन उसको जो है 4 महीने हो गए मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ तो इसी वजह से मैं उसके पास जा नहीं पा रहा था तो आज प्लान बनाया जाने का तो अभी चलो इसको उठाते हैं फिर निकलते हैं टोकी 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 हटी नहीं रहती क्या नहीं 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 क्या नहीं नहीं क्या इतने साल बाद मिला है और उसके बाद जो है ना नहीं 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 आप अभी देखो अभी मैं एक जा रहा था किसी दोस्त से मिलने के लिए वो 4 महीने से मुझे फोन कर रहा है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ और तू इतने साल बाद मुझसे मिल रहा है और बोल रहा है ये नहीं एक ही सोसाइटी में और क्या तुझे शर्म आनी चाहिए ना तू मैं तो यहाँ से चला गया ना मैं तो कब से यार पता नहीं है मैं तो आजम बस्ती में हूँ ना कभी कभी आता हूँ तो बस
यार देखो आप जो व्लॉग बना रहे हो ना, ये क्या कहते हैं, आप उससे परमिशन लेनी पड़ेगी अपलोड की, मतलब क्या आएगा क्योंकि तुझे पता है मेरा फेस ऐसा है ना, डालेगा तो YouTube हिल जाएगा, हिल जाएगा, मतलब आपसे परमिशन ले रही है, मतलब थोड़े पैसे देने पड़ेंगे आपको, देने पड़ेंगे, मोनेटाइजेशन के पैसे लूंगा, मोनेटाइज तो हुआ है ना चैनल मेरा, हां अर्निंग हो रही है, हां $9 पड़े मैं टोटल मेरी अकाउंट में, बस सही, इससे ज्यादा तो मेरी जेब में, चले यार चले, इससे ज्यादा मेरी गाड़ी में भी पड़े हुए, हाँ यार आप अमीर बंदे, लेकिन गरीब बंदे 70 वाले यार, नहीं यार, अच्छा ये देखा अभी टायर में चेंज करवाए थे, तुम्हारे पास भी है ना अल्टो व्हाइट में, एक और ले ली ना, अल्टो दो ले ली, हाँ ना एक जैपनीज भी है, जैपनीज में ऑटो, ऑटो फुल ऑटो, अच्छा और वो भी ऑटो है दूसरी जो लिए, वो पाकिस्तानी है यही वाली, नहीं वो भी ऑटो है ना, वो ऑटो, तो मतलब मुझे ये बता कि इसमें चलाने में जैसे ये झटके मारते हैं पाकिस्तानी, हाँ, वो क्या कन्वर्ट करने में कन्वर्ट, हाँ, उसमें नहीं लगता है बिल्कुल भी, महसूस भी नहीं होता, ये क्या है यार पाकिस्तान, और उसमें मतलब हाँ लोग बना रहे हैं, ये भाई ये कह रहा है मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली, व्लॉग बना लेगी, अबे तू पहले अपना नंबर तो ऑन कर ले, व्हाट्सएप पे चलने वाले, ये नॉन एंटिटी अप्रूव जो है ना फोन रखा हुआ है भाई, जैसा भी है नॉन एंटिटी, तीन तीन मुंह वाला तो है ना, तीन मुंह वाला हो या दस मुंह वाला, क्या छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसे मोबाइल का क्या, एक बटन वाला ले ले वही अच्छा, बटन वाला कैमरा इसके मुंह में लग रहा है, यूं करके बात कर रहा है, एक बटन वाला भी नहीं है, अभी तू चुप कर के, इस रस्ते का यही मसला है, एक तो खड़े हो जाते हैं ना, से खड्डे भी हैं उधर से गाड़ियां भी आ रही हैं, अरे जगह से मैंने अभी नए टायर लगवाए भाई, यही अब मैं वहाँ से वापिस आ रहा हूँ, एक तो जहाँ तूने बोला था ना पत्थर वाला, अभी बासुन में उधर उसकी तरफ आ रहा हूँ, क्या नाम है, वापस रोड की तरफ आ रहा हूँ, ये डबल आगे से जहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ ना शाह फैसल से, नीचे जब उतरा हूँ पत्थर वाला उस पे, चल मैं कोई दुकान आती है तो मैं, ये रुक जा फोन ऑन ही रख, ये होटल बने हुए इधर, कार हाँ कार वाश वाले भी है, कार वाश वाले भी है, और भाई क्या कह रहे थे, कौन सा बछड़ा तो भाई, ये बछड़ा चाहिए तुझे ये बछड़ा, इसको अगर बात सुन अगर मिसाल के तौर पे इसको तू पाले, सही है, क्या करेगा ये उदी वाली, आती बट जाए अभी फिलहाल तो देरी, अभी की छोड़ बताया यार, इसका चाय ले आओ, एक स्टिकला दो, हाँ इसका भी लॉक ले लो यार, मुझे ना, अच्छा कट कर दूंगा, सही है कट कर, सही है, हाँ एक वो ले आओ, चाय ले आओ, एक स्टिंग ले आओ, दो चाय ले आओ, एक स्टिंग ले आओ, बस ये भाई साहब हैं जो दोस्त थे मेरे, कोई 2016 से ऊपर थे ना, कॉलेज से ही है, कितने 2012 से, 12 से दोस्त थे और कॉलेज में पढ़ते थे, सेंट पैट्रिक में मैं होता था, तो जो है ना ये उधर ही होता था, तो एक साल के बाद ही क्लास में, मतलब सेकंड ईयर में हमारी दोस्ती हुई थी ना, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में मैं क्या करता था, फर्स्ट ईयर के लास्ट में हुई, वो सारे थे क्रिस्टल, अब भाई हम अलग ही उसमें वो मिल गए, अब ये जो है ना, चलो भाई आ गए हम साथ बैठ रहे हैं, वो भाई पहला साल तो हमने देखा बहुत स्ट्रिक्टनेस है हमको, पहले साल तो हमने बात ही नहीं की किसी से, पहला साल ऐसा था थोड़ा सा लेट हो गए ना, तो बत्ती भी धूप में खड़ा कर देंगे भाई, चलो शाबाश सीधे हो जाओ,
आप जरा सा वो हो गए भाई, पहले साल तो समझो आप, मतलब इतनी टाइट सकती है उधर, और जो है ना आप जो है ना हिल नहीं सकते, पढ़ाई होगी, टेंशन होगा। पहला साल हमने ऐसे गुजारा, पेपर देने तक हमने अच्छा गुजारा था। पेपर देने तक जो है ना आर्मी खड़ी हुई है चारों तरफ, हर चीज रेंजर्स खड़ी हुई है, कैमरा लगे हुए हैं सेंटर में। दूसरा साल तो वही है, दूसरे साल हम जाके बोले सर क्लास में सकती, ना उसमें सकती। दूसरे साल हम सर को जाके बोले सर क्लास में तो आ जा प्लीज। सर को बोलते थे तू बोतल मेरे आगे कर दे दुबई। हाँ तो ये जो है ना तब से जो है ना बहुत ही मशहूर, तब से ये मेरा दोस्त है कॉलेज से जो है ना, लेकिन हमारी मुलाकात इतनी होती नहीं है, कम तो होती है। हम जो है ना दोस्त तीन बने थे, तो वो तो पता नहीं किधर चले गए। मानी को तो पता नहीं, भूल गया तेरी मुलाकात नहीं किसी से कभी हुई है? थोड़े टाइम पहले हुई थी, कॉल सेंटर में बोला मैं जॉब करता, लेकिन अभी तक शादी वादी नहीं हुई। नदीम की, उसकी तो होगी नदीम की, होगी नदीम की बेटी भी है। मैंने उसको बोला था कि यार नौकरी का कर। हाँ तुझे क्या नौकरी की जरूरत? क्यों नौकरी भी करेगा और नौकरी वो करेगा नौकरी का कौन सा ब्रांड दिखा रहा है? हाँ भाई इसका व्लॉग गया साइड में, व्लॉग गया साइड में। आप बता इस भाई जान जो है ना होटल का जो है ना कोई सीन है, ये है ताज होटल, और जो है ना इसका सीन क्या हुआ था? सीन ये सामने पटरियां दिखाओ, सामने पटरियों का सीन ये है। यहाँ पे जो है ना ट्रेन रोक के चाय लेने आ गया था ड्राइवर। हाँ ट्रेन रोक के, हाँ वीडियो भाई वीडियो डलेगी भाई। यहाँ पे जो है ना ट्रेन रोक के जो है ना चाय लेने आ गया था, मतलब चलती हुई ट्रेन इसने रोकी है, होटल से इस होटल से चाय ली और दोबारा बैठा है और ट्रेन स्टार्ट। लोगों ने वीडियो उसमें फिर केस भी तो हुआ होगा, तो लोगों ने वीडियो बना ली, उसको सस्पेंड कर दिया था। अच्छा दिया था शायद भाई आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी, आपने ट्रेन रोक दी और चाय लेने आ गए, पूरी वीडियो है, आपको चाय पीने का इतना शौक है, चाय भाई तू कहीं से और मंगा ले, तूने लेकिन जा रहा था या आ रहा था स्टेशन? आ रहा था ना, अभी तो नहीं रुकेगा, लांडी जाएगी ना थोड़ी रुकेगा, अभी भी रुकेगा तो बस नहीं, मतलब इतनी स्पीड में रोका होगा उसने, पीछे कौन सा स्टॉप? इधर रुकती है गाड़ियाँ? अच्छा हाँ क्या हुआ? ये भाई जो ना बेटा को ढूंढ रहे हैं, अभी बेटा आ नहीं रहा, ऐसे पूछो बेटा को क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? ये बेटा को इसलिए ढूंढ रहे हैं, मेरी तरफ कभी बता, ये बेटा को इसलिए ढूंढ रहे हैं, तूने जोर से बोल, तूने मंगा ली चाय, सही है, अब तूने बताया चाय मीठी है, शुगर के पेशेंट है बेचारे, इनको यही नहीं पता, बता दो भूख की वजह से, भूख की वजह पराठा देख के ये जहन से निकल गया कि चाय थी यार, ये इनको भूल गए यार, ये इसको शुगर हुआ है भाईजान, तो ये सीन हुआ है, इसको जो है ना शुगर है, तो इसको भूल गया है कि मुझे जो है ना शुगर है, और अभी जो है ना मुझे फीकी चाय मंगानी है, भूख की वजह से ये हिल गया था, इसने चाय आ गई, बोले मीठी थी। पराठे में देख कितना जादू है, पराठे के चक्कर में। हालांकि जो जिनको पता होता है मैं बीमार हूँ, तो वो पहले ही बोलता है, अब मेरे पूछ जिनको पहले ही बोलता है फीकी, भले किसी भी होटल में होगा ना, बोला मेरे लिए फीकी, क्योंकि उसको पता है, ये मरीज को बता ही दिए तीन चार दफा ही गए होंगे, मतलब उससे ज्यादा ही गए होंगे, रात रात में नहीं, ये बलोच है, मैं सिंधी हूँ। हाँ ऐसे काली बलोच देखे, ये वो वाला नहीं है बलोच, बताना कौन सा वाला, कोयटा वाला? जफरुल्लाह जमाली का नाम सुना हम उसके गांव का। अच्छा चल अब गांव पहुंच के हमारी यारी बता कैसी हुई थी। यारी ऐसी हुई, एक हमारे बीच में रहता था, मेरा 6-7-8 महीने से रब्ता नहीं, उसके वालिद की जो है ना तबीयत भी खराब है, असल में मेरे पास जो है टाइम नहीं है, उसके पास जाते ही नहीं, वो दोस्त जब भी मिलता था इसकी बात नहीं करता था, मैंने भाई मिलवा तो सही, ये कौन
नहीं जानी वो किसी से नहीं मिलता नवाब है वो नवाब मेरे को उससे मिला नहीं। और ये ना जब भी ना मैं आता था साइड में तो ये खड़ा होता था मोटा अपने मुँह मेरे को ये फनी लगता था कथा बताया कि मेरे को ये फनी लगता था ये जब बात करते हैं ना अबे तू ये बे ये मैंने हाँ अभी करते करते ऐसे टकरते गए बात बनती गई अब उसने देखा यार ना मैं मिलवा रहा हूँ ना कुछ ये फिर भी पता नहीं कैसे मिल रहे अब वो समझ रहे थे यार ये मेरे पास आ रहा है या मैं इसके पास जा रहा हूँ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बहुत बहुत कट गया हम लोग मिलते गए साथ उठना बैठना हुआ कभी इसके साथ घटानी लेके जा रहा हूँ मुझे यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही उधर से जा रहा हूँ माइक लाना नहीं इसका आईफोन करके रिजल्ट भी वो स्पीकर अच्छा है मैंने एक व्लॉग इसी से किया ना कौन सा कैमरा कौन सा मोबाइल 14 हाँ सही है अच्छा है हाँ फिर बता कभी इसको मैं कटाने लगा था प्रोमैक्स 14 का प्रोमैक्स हाँ कभी इसको मैं कटानी लेके जा रहा हूँ कभी तो अब चौकी के बागात में इसको लेके जा रहा हूँ वो बंदा देख रहा है यार ये क्या इतने ही गुल मिल गए ये लोग उसके बाद से अभी तक हम लोग साथ हैं वो बीच वाला बंदा जो था ना वो अच्छा मैं अच्छा वो बीच वाला नहीं रहा मैं अभी चला गया ये रात वो काट दूंगा मैं ये रोज रात को बाइक मेरे पास गली में आता है सोचता है उधर खड़ा होकर सोचता मेरा इधर रहता था हम मिलते थे रात को खाना खाने के बाद अब कोई है नहीं सोसाइटी में नहीं ना अभी वो वहाँ जो आ गया था मार्ट की तरफ मार्ट की तरफ मार्ट खत्म कर दिया मार्ट को फिर बाइक को दे दिया ना अभी उसकी शादी है अभी कल ही कोई लोग डाले मैंने देखा था बस जो भी है यार बेचारा आ जाता है काम लेकिन ये है कि थोड़ा सा वजन है इसके अंदर गाड़ी में जब बिठाता हूँ आयल वाइल चेंज कराने की जरूरत पड़ जाती है मुझे पर क्या करें दोस्ती के लिए गंदा पड़ता है यार सही है भाई ऐसे को छोड़ तो नहीं सकते गाड़ी थोड़ा लोड होना भी चाहिए लोड होना चाहिए भारी बंदा पता होना गाड़ी अल्टो चले तो हाँ उसको मैं वही बता रहा हूँ ये चाह रहा है कि अपना मुझे अल्टो दे मैं कह रहा हूँ कि अल्टो नहीं ले कल्टस ले ले कुछ बेहतर है मैंने इनके लिए लैंड क्रूजर चाहिए बड़ा वजन बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी चला नहीं सकता ना ये थोड़ा सा है थोड़ा सा चलाने में ताकत तो है ना क्या है कहते हैं मुझे डर थोड़ा सा वो लगता है घबराहट होती है डिंगो डाला सही है डिंगो डाला सही है सिविक है इसके पास मेहरान है सिविक नहीं चलाता भाई के अंडर में कौन से वाला मॉडल है नया नया 0 मीटर हाँ पता एक करोड़ रुपये को लात मार के जा रहा है ये उधर लेकिन मेहरान जाएगा उस पर चलाएगा ही नहीं थोड़ा दबाओ पूरी गाड़ी चिपक जाती है बंदा स्टीयरिंग पे यूं चिपक जाते हैं यार क्या करें पूरा दबाना पड़ता है ब्रेक अच्छा वही वाली आदत पड़ी हुई है लेकिन भाई मेरे जैसा होगा ना सिर्फ एक घंटा उसको जरूरत है गाड़ी चलाने की उसके बाद समझ जाते हैं गाड़ी चलाने आता तो समझ जाएगा मैंने हाईवे पे अपना ट्रक चलाया फिर कल्टी हो गया चला लेता है फिर कल्टी हो गया चलाया हाईवे पे था फिर कल्टी हो गया कल्टी कहाँ हो गया पूरा ट्रक चलाया था हाँ कल्टी हो गया नहीं नहीं कसम से मजाक थोड़ी कर रहा हूँ है ना वो समझ गया कौन सा वाला ट्रक वो समझ गया बस इसको समझ आ गई बता बता मुझे बता तब जा बस बच्चा तू भी नहीं है नहीं मैं कसम से नहीं समझ रहा तेरा ट्रक कभी कल्टी नहीं हुआ इससे अंदर लगाओ मैं कितना डरी हूँ यार अरबियों के साथ बैठा हो नहीं बता क्या हुआ क्या क्या ट्रक तेरा कभी कल्टी नहीं हुआ ये वाला ट्रक कौन सा वाला ट्रक सही खुल के बता मैं काट दूंगा बल पहले समझा इसको ट्रक लाके दे कौन सा ट्रक बोल रहा है भाईजान 2 घंटे हो गए और हम फंस गए थे और जो है टैंकर थे तो इसकी वजह से जो ना अभी चंगेज़ की गाड़ी अपनी गाड़ी लॉक की है पता ही नहीं कि
लग्जरी फील आ रही है यार, कसम खुदा की यार, लग रहा है हमें भी मिले। मेरी गाड़ी से बच के लाइटें फुल में चला, फुल आया यार, टाइट है रोशनी भी मारी उन्होंने खान तक सुथी दस है ना यार। लग्जरी तो इतने फर्स्ट टाइम मैं जो है ना सिटी एस में बैठा हूँ, सिविक में कभी आज तक बैठा ही नहीं, लेकिन यार मज़े का फील आ रहा है। जब इसमें ऐसा मज़े का फील आ रहा है और जो है फिर बड़ी गाड़ियों में तो क्या आता होगा। चलाना लाइट क्यों बंद कर रहा है, टेंशन रही है, लाइट तो चला के ड्राइवर का पहला काम क्या है। अच्छा रूफ भी है, जबरदस्त। तो भाई साहब तो मैंने कहा अभी मैं ट्राई करता हूँ इसको चला के देखूं। चलो हैंड ब्रेक तो नीचे, कहाँ से पता चलेगी ये ना भी। चल तो जब उस बंदे ने ब्रेक मारा ना, वो बराबर में बैठा जो गाड़ी का मालिक था ना, उसका सर आके डैशबोर्ड में टच हुआ भाई। तो भाईजान फर्स्ट टाइम सिविक चला रहे हैं और लग्जरी फील आ रही है कसम से। ये तो अजीब सी फीलिंग आ रही है चंगेज, वाकई यार मजा है इसके अंदर। ये है कि करोला थी ना जो मेरे पास, सोचा डैशबोर्ड इतना आता था, वो थोड़ा सा जो है ना नहीं दिखता। अब ये देख चंगेज, मैंने इसको घुमाया सही है, अभी मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ, ये देख एक ही हाथ से छोड़ रहा हूँ, खुद ही अपने जगह पे आ रही है गाड़ी। ये होता है इसका ऑटोमेटिक का जो है ना, ये होता है। वाह सही है यार, ये लेवल में भी है और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है। मतलब अभी इस पे जो है ना रोड पूरा दिख रहा है मुझे। करोला में जो था ना वो ऊपर होती थी, उसके लिए मुझे देखने के लिए ना थोड़ा सा यूं करना पड़ता था। ये सही है, मतलब लेवल बिल्कुल बराबर लेवल है। हाँ सही है, फिर ठीक है, सही है। फिर कब मिले? मंडे को मैं आऊंगा। हाँ मजा आ गया लग्जरी गाड़ी भाई, अपनी औकात पे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी औकात में भाई जान। एक दिन इंशाल्लाह इसको भी, ये भी होगी अपने पास, अल्लाह देगा उसके बाद जो है ये भी होगी अपने पास, और जो है सिविक भी होगी कराची में। हम सिविक चलाएंगे, बाहर जब निकलेंगे तो बड़ी गाड़ी चलाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जो है ना पहुंच गया हूँ, तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत थक गया हूँ यार। फिर वापसी में जो है ना आते हुए रश मिल गया टैंकरों का, इधर ब्रॉक्स चलेंगे में ना ऐसी यही मुसीबत है, एक बड़े टैंकर आ जाते हैं। और जो है ना अभी टाइम भी इनका था, तो जो है ना बहुत टाइट हालत हो गई। तो अभी जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलो। अल्लाह हाफिज़।